अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मैक्रोनी की। चलिए हम झटपट से मैक्रोनी कुकर में बना देंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम कुकर में 2 पल्ली तेल ऐड करेंगे। तेल को अच्छा गर्म होने देंगे, फिर इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। चलिए अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को थोड़ी लाइट गोल्डन ब्राउन होने देंगे। चलिए अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। मैं इसमें 1 टेबल स्पून हल्दी ऐड करूंगी। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर। इसको अच्छी तरह भून लेंगे। फिर मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। टमाटर को डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। पानी को अच्छा औटन दूंगी। फिर इसमें मैं मैक्रोनी ऐड करूंगी। चलिए देखिए हमारा पानी बॉईल हो गया है। देखिए पानी, अब हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे। मैंने मैक्रोनी को अच्छी तरह से धो लिया 3 पानी से। अब मैं इसमें मैक्रोनी मसाला डालूंगी। देखिए मैंने मैक्रोनी मसाला भी डाल दिया। अब मैं इसको 1 सीटी लगा दूंगी। देखिए गाइस, हमने मैक्रोनी को 1 सीटी लगा दिए थे। हमारी मैक्रोनी बनके रेडी हो चुकी है। हम इसमें कोथमीर ऐड कर देंगे। चलिए अब हम डिश आउट कर देंगे। चलिए गाइस देखिए हम डिश आउट करेंगे। देखिए हमारी मैक्रोनी कितनी अच्छी तरह से बनके रेडी हो चुकी है। हमने कुकर में 1 सीटी लगा दिए थे, मैं झटपट से बनके रेडी हो चुकी है। देखिए गाइस, हमने डिश आउट कर दिया है। हमारी मैक्रोनी बनके रेडी हो चुकी है।